नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको मालूम है कि पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव से भी कई सारे सवाल पूछ डाले। काफी बमके हुए थे तेजस्वी यादव पर भी और कई सवाल भी पूछ डाले हैं। क्या कुछ पूछा है बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव से, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मित्रों, जो आज हमारा प्रेस वार्ता का विषय है वो है कांग्रेस राजद इंडी अलायंस का असली चेहरा। तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के एजेंडे वाला चेहरा तेजस्वी जी अभी लगातार हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दों की बात की जाए, तथ्यों पर बात हो। तो आज हम तुष्टीकरण के मुद्दे पे बात करेंगे और तथ्यों के साथ कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, एक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करूंगा, उसके उपरांत मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से इंडिया अलायंस के नेता और बिहार में इंडिया अलायंस के चेहरे तेजस्वी यादव के समक्ष में रखना चाहूंगा। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं मित्रों। अभी कुछ दिनों में काफी चर्चा में आया कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एजेंडा अल्पसंख्यक समाज को लेकर किस प्रकार से है। शुरू करते हैं सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की और राहुल गांधी जी के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे, उनके शब्द हैं, देश का एक्सरे कर देंगे, सर्वेक्षण कराएंगे जाति का, धर्म का और संपत्ति का। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक, इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा और स्पष्ट कहा कि वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब उन्होंने ये बात जो रखी उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ते हैं जिसकी प्रति मैं लेके आया हूं। आप सबने देखा ही होगा ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में साफ कहती है अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो, यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आगे बढ़ी कांग्रेस की ये जो बात है ये अचानक से नहीं आई है दोस्तों, इनका ये हमेशा से एजेंडा रहा है, तुष्टीकरण का एजेंडा, वोट बैंक बनाने का एजेंडा। और इसका मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं। आपको ध्यान होगा ये 2024 के चुनाव में जो घटना हुई है इसको थोड़ा जोड़िए, मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पीएम मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में जब 11वीं 5-ईयर प्लान योजना बैठक चल रही थी, 11th 5-ईयर प्लान की योजना बैठक में
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधन पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का है। और ये खाली एक बयान नहीं था, लोग कहेंगे कि ये सब तो आरोप है, कैसे लागू होगा, क्या होगा, मैं थोड़ा उस पे आता हूं। ये सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों, मैं आज आपके सामने आया हूं सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के साथ। दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमान समाज जो है उसका सर्वप्रथम, अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर। उसके पीछे सच्चर कमिटी की रिपोर्ट थी। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट हाई लेवल कमिटी मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, जिसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में 30 नवंबर 2006 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें सच्चर कमिटी में लिखा गया है कि दलितों से बुरी हालत अल्पसंख्यक समाज की है इस देश में। अब आ जाइए रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट पे। ये सारी चीजें 2006 की है, कांग्रेस का असली चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि सच्चर कमिटी के रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काट कर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं, कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का बाइलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान में अंबेडकर जी ने दिया है उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? और ये धर्म और संपत्ति का जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो क्या संपत्ति का सर्वे करा के इसको भी जनसंख्या के आधार पर पुनर्बांटने की बात होगी? लोग कई बार भूल जाते हैं, लोग को लगता है कि सब खाली बात है, हो नहीं सकता है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश को, बिहार की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट इस देश में दो बार 1963 में और 1974 में दो बार कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई है जिसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों और मेहनत से कमाई हुए पैसे को सरकारी खजाने में डिपॉजिट कराने का एक्ट आया है इस देश में। 18% संपत्ति का और धन का सरकार ने जमा करवाया था 63 में भी और 74 में भी। तो क्या उसी तर्ज पे, उसी तरह की कोई योजना ये पुनः बना रहे हैं? मित्रों, और ये मुद्दा और भी अब गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अगला चरण लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल क्षेत्र का है, और अगर इस तरह का कोई योजना कांग्रेस, इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा झटका सीमांचल नहीं
सबसे पहले लगेगा। तेजस्वी जी कहते हैं कि मुद्दे की बात की जाए तो सीमांचल का चुनाव सर पे है। सीमांचल के मुद्दे की बात मैं कह रहा हूं, सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से धमकी वसूली के वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी ही अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, सच्चर कमिटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते मैं पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में, पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए। मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी लाके इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ पर रोकथाम होनी चाहिए? आप बताइए तेजस्वी जी कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है, किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, तो क्या तेजस्वी जी आप आज सीमांचल में भ्रमण में हैं, आप वहां की जनता को मन से बताइए, क्या वहां पे बहुसंख्यक समाज को चिंतित होना चाहिए कि उनका संपत्ति लेकर अल्पसंख्यक को बांटने में आप कांग्रेस के साथ खड़े होइएगा? इसका जवाब दीजिए तेजस्वी जी। तो सुना आपने क्या कुछ पूछा है बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव से, यानी कि ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बोलती बंद कर दी है। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव ऋतुराज सिन्हा को क्या जवाब देते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।